ताऊजी सुनते हो? हाँ। क्या सोच रहे हो? ये लीजिए चाय। दो। सोच रहा हूं आगे क्या होगा। इससे अच्छा होता मैं उस एक्सीडेंट पे मर जाता। कम से कम आज ये दिन तो देखना नहीं पड़ता। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी पाती? एक बार के लिए भी सोचा है? हमेशा अनाप शनाप बोलते रहते हैं। अरे गुस्सा क्यों करती हो, मैं तो बस यूं ही बोल रहा था। आज के बाद फिर कभी ऐसे बातें मुंह से निकाले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कह देती हूँ। वैसे गुस्सा करने से तुम बहुत सुंदर दिखती हो, बिल्कुल नए नबेली दुल्हन की तरह। आप भी ना, ऐसी उम्र में ये कैसी बातें कर रही है, मुझे शर्म आती है। पता है महिमा, मुझे आज भी वो दिन याद है। महिमा, तुम्हें देखकर मुझे बहुत दुख होता है। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, मैंने क्या किया? हाँ, तुमने कुछ नहीं किया, पर जो मुझे करना चाहिए था वो मैं कर नहीं पाया, इसीलिए दुख है। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। तुम एक खाती पीटी घर की लड़की हो, फिर भी ना जाने क्यों अपने घर वालों की परवाह किए बगैर तुमने अपने प्यार के कारण मेरे साथ घर बसाई। पर मैं तुम्हें क्या दे पाया, दो वक्त की रोटी के सिवा और क्या दे पाया? पता नहीं महिमा, तुम मेरे साथ खुश हो भी या नहीं। मैं आपके साथ बहुत खुश हूं। आप बेकार में ही अपना मन खराब कर रहे हैं। इन बेकार की बातों को सोचना बंद कीजिए और अपना ध्यान कामों में लगाइए। देखिएगा, एक दिन हमारे पास सब कुछ होगा। आप हमेशा मुझे खुश रखना चाहते हैं, इसके लिए आप दिन भर गाड़ी चलाते हैं, अपना खून पसीना एक कर रहे हैं। मेरे लिए इससे ज्यादा और खुशी की बात क्या हो सकती है? आप अपना काम जल्दी खत्म कर लीजिए, मैं खाना बनाती हूँ। लीजिए तामूल खाइए। ठीक है। ये सब तो पुरानी बातें हैं, अब सोचकर क्या फायदा। मैं एक बात सोच रही थी। कौन सी बात? अब तो घर चलना ही मुश्किल हो गया है, हमारे हाथ में भी जमा धन नहीं है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो तो ठीक है महिमा, पर इस हालात में मुझे काम पे कौन रखेगा? मैं आपके बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं सोचती थी कि मैं ही कोई काम पे लग जाती हूँ, कम से कम दो वक्त की रोटी तो निकल आएगा। लेकिन तुम करोगी क्या, इस गांव में करने लायक तुम्हारे लिए रखा ही क्या है?
है ना काम, महाजन के घर में दाल चावल साफ करूंगी और इधर उधर काम करके घर चलाने के लिए दो पैसा कमा लूंगी। क्या तुम घर घर जाके काम करके पैसा कमाओगे और मैं घर में ऐसे बैठा रहूंगा? नहीं महिमा, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम कहीं नहीं जाओगी। आप समझने की कोशिश कीजिए, जब तक आप काम करने की हालत में थे तब तक तो आप ही कमाते थे, पर अब हालत बदल चुका है। हमें हालत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, यही तो जिंदगी है। नहीं महिमा, तुम कहीं काम नहीं करोगे। मैं अरुण से बात करूंगा, अब उसे घर चलाना होगा, काम करना होगा। तुम चिंता मत करो। मैं सोच रही थी कि गांव के चौक में एक दुकान खुला जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारी पैसों की जरूरत होगी। क्या करूं, कुछ समझ नहीं पा रही हूं। कोई ना कोई तो रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा। भगवान पे भरोसा रखो, वो हमारे मदद जरूर करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हो गया सो हो गया, अब होनी को कौन टाल सकता है? अब ये सब सोच के दुख करने से क्या फायदा? अपने आप को संभालो तुम। कैसे संभालो गीता? तुम क्या समझोगी हम पर क्या बीत रही है? पिताजी की एक हाथ ही नहीं रहा, बल्कि हम लोगों की जिंदगी जैसी पूरी थमसी गई है। तुम्हें पता है अरुण, सिर्फ 3 दिनों के बुखार में हमारे पिताजी चल बसे थे, और उस वक्त हमारे घर में उनके अलावा कमाने वाला और कोई नहीं था। मैं तो छोटी थी ही, मेरे भैया भी बहुत छोटे थे। हमारे चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। हम लोग क्या करें, कहां जाएं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ दिन तक माँ इधर उधर काम करके हमें 2 वक्त की रोटी खिलाती रही, और फिर एक दिन भैया ने घर की सारी जिम्मेदारी संभालने की ठान ली। भैया ने हमारे जमीन में खेती करना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे हमारी हालत सुधरने लगी। मैंने भी ऐसा दिन बहुत देखा है, और तुम कहते हो मैं कि तुम्हें समझ नहीं पाऊंगी। तुम्हें भी मेरी भैया की तरह अपने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेनी चाहिए, यही तुम्हारा फर्ज है। तुम बात को जितनी आसान समझ रही हो उतनी आसान है नहीं मेरे लिए। खेती करने के लिए तुम्हारे भाई के पास जमीनें थी, मेरे पास क्या है? ना ही जमीन है ना ही पैसा, यहाँ रुक कर करूं भी तो क्या करूं? अगर घर की जिम्मेदारियां मुझे संभालने हैं तो मुझे शहर जाके कुछ करना पड़ेगा। अगर वहां जाके कुछ नहीं किया तो मुझे भूखा मरना पड़ेगा। तुम घूम फिर कर शहर जाने वाली बात पर क्यों आ जाते हो, मुझे समझ में नहीं आता। तो और क्या करूं? अगर इतनी समझाने के बावजूद भी तुम्हें समझ में नहीं आती है तो मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकता। इसका मतलब तुम शहर जरूर जाओगे? हाँ, शहर जाने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं। मैं शहर जरूर जाऊंगा। एक बार फिर से सोच लो, तुम्हें शहर जाने की जरूरत नहीं है, यही गांव में रहकर कुछ काम करने की सोचो।
और मैंने सुना है आजकल गरीब लोगों के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं निकाले हैं। तुम भी ऐसे योजनाओं का लाभ उठा सकते हो। एक बार सरकारी अफसरों से बात करके तो देखो, शायद कोई अच्छा रास्ता मिल जाए। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, कल ही चलो। चलोगे ना अरुण? मैं जरूर चलूंगा। तो फिर कहाँ जाओगे? मैं शहर जाऊंगा। तो फिर ठीक है, तुम शहर ही जाओ। मेरी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। एक बार तुम कान खोल के सुन लो, इसके बाद मुझे मिलने की कोशिश मत करना। और मैं भी तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। जो करना है तुम कर लो। कृष्णा, अब हमारा क्या होगा? क्या करेंगे? कैसे घर चलेगा? यही चिंताएं मुझे दिन रात सता रही है। इनके सामने अपनी दुख और चिंताएं मैं हमेशा छुपाती रहती हूँ, पर अंदर ही अंदर मैं मरी जा रही हूँ। तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ भाभी, लेकिन मेरा भी हालत कुछ ठीक नहीं है, वरना मैं आप लोगों की मदद जरूर करता। इस बात का मुझे बहुत दुख है। नहीं कृष्णा, ऐसे ही तुमने हमें काफी मदद किया है। अस्पताल की खर्चा, दवाई की खर्चा, ये सब तो तुम ही किया है। हमारे लिए तो यही बहुत है। पता नहीं हम लोग तुम्हारी ये एहसान कैसे पूरा कर पाएंगे। नहीं भाभी, ये कहकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप मेरी अपनी भाभी है, आपके लिए मेरी भी कोई तो फर्ज है कि नहीं। किस्ता, ये देखो तो, ये रहा मेरा बैंक का पासबुक। हाँ, देखो तो तुम। हाँ हाँ दीजिए। ये देखकर मैं बता सकूंगा कि आपको बैंक से कोई लाभ मिल सकता है या नहीं। हाँ। रुकिए, मैं देख लेता हूँ। श्याम भैया, आपने जनधन योजना के नाम पर बैंक में कुछ रुपया जमा रखा है, ये आपने बहुत अच्छा काम किया है। ये अकाउंट तो तुमने ही खुलवा दिया था, तब से लेकर जब भी मौका मिलता था हाथ बसे पैसे इस अकाउंट में मैं जमा कर देता था। ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया है श्याम भैया। इसके साथ अगर आपने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत साल में सिर्फ 12 रुपया जमा रखा होता तो और भी अच्छा होता। अरे क्या था ना वो 12 रुपये वाला सुरक्षा बीमा योजना, एक बार ना बैंक में एक आदमी उस योजना के बारे में कह रहा था, सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तब मैंने बैंक से एक फॉर्म लेकर फिलअप करके जमा कर दी। तब से लेकर हर साल 12 रुपया मेरे अकाउंट से कटा जा रहा है। तुम देखो तो इधर। हाँ श्याम भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर साल बैंक वाले आपके अकाउंट से 12 रुपया काट रहे हैं। भैया, ये आपने बहुत ही बुद्धिमान का काम किया है, इससे आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा और भाभी आपकी परेशानी बहुत हद तक कम हो सकती है। भाभी भैया, आप लोगों को इस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के तहत बैंक से पैसा मिलेगा। अरे हाँ, अरे मैंने तो उस बीमा के बारे में सोचा ही नहीं था। देखो ना, खुशियाँ हमारे घर में चुप कर बैठे हैं और हम इससे बेखबर होकर यूं ही रोना धोना कर रहे हैं। हमें कितने पैसे मिलेगा कृष्णा? क्या हम उन पैसों से एक दुकान खोल सकते हैं? क्यों नहीं भैया, इस बीमा के तहत बीमा करी व्यक्ति अगर कोई एक्सीडेंट में 2 हाथ 2 पैर या फिर 2 आंखें गवा बैठे तो उन्हें 2 लाख रुपए मिलता है, और कोई व्यक्ति अगर सिर्फ 1 हाथ 1 पैर या फिर सिर्फ 1 ही आंखें गवा बैठे तो उन्हें सिर्फ 1 लाख रुपए मिलता है। और इस हिसाब से देखा जाए तो आपको 1 लाख रुपया जरूर मिलेगा। महिमा, सुना तुमने? सुना किस्ता ने क्या कहा है? मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे। हाँ मैंने सुना है। हे भगवान, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वजह से ही ये सब मिल रहा है।
ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल, देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। भगवान ने ही भाभी आप लोगों को ये सब सुविधाएं हमारी सरकार की तरफ से मिल रहा है, इसीलिए धन्यवाद देना ही है तो हमारी सरकार को दीजिए जिसने हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए ऐसी लाभकारी योजनाएं बनाई है। हाँ महिमा, किसना बिल्कुल ठीक कह रहा है। भैया आप एक काम कीजिएगा, कल सुबह आप अरुण को लेकर तैयार रहिएगा, मैं आप लोगों को लेकर बैंक जाऊंगा, बाकी काम बैंक वाले करेंगे। और हाँ भाभी, आप ये जो घर घर जाकर काम करने की बात जो कह रही है ना, इसकी आप कोई जरूरत नहीं है। क्या 1,00,000 रुपए से हम सारी जिंदगी चल पाएंगे? कुछ ना कुछ तो मुझे ही करना पड़ेगा। आप एक काम कर सकती है भाभी, महिला और युवक युवती के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत आप गांव में ही रहकर व्यवसायिक तौर पे गाय बकरी सुअर बतख आदि पालकर अपने आप को स्वावलंबी बना सकते हैं। उसके लिए सरकार की तरफ से ट्रेनिंग दिया जाता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और मैंने उस दिन ब्लॉक ऑफिस में सुना कि कुछ ही दिनों में हमारे गांव में ऐसा ही एक ट्रेनिंग दिया जाएगा, आप चाहे तो वो ट्रेनिंग ले सकती है। वो तो ठीक है, ट्रेनिंग तो मुफ्त में मिल जाएगा, पर इतनी सारी मुर्गियां खरीदने के लिए पैसा कहाँ से मिलेगा? इसके लिए सरकार की तरफ से लोन देने का प्रावधान है, वो भी कम ब्याज दर पर। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसका फायदा उठाइए और अपनी जिंदगी खुशहाल बनाइए। किसना बिल्कुल ठीक कह रहा है। महिमा तुम किसना के दिखाए हुए राह पे आगे बढ़ो, मैं हर कदम में तुम्हारी साथ हूँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। ऐसे कैसे जाओगी, चाय पी कर जाना। नहीं नहीं आज नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं? जरूरत है, हम इतने निर्धन भी नहीं हुए हैं कि तुम्हें एक कप चाय भी नहीं पिला सके। नहीं नहीं श्याम भैया, मेरा मतलब वो नहीं था। तुम लोग बातें करो, मैं चाय बनाती हूँ, ठीक है? जी भाभी। लेकिन शहर में अच्छी नौकरी पाने के लिए पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है। पिछले साल परीक्षा में फेल किया, कम से कम इस बार तो पास करने के लिए सोच। एक बार फेल किया इसका मतलब ये तो नहीं कि हर बार फेल करोगे। मैं पिछले 20 सालों से शहर में काम कर रहा हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है शहर की तौर तरीका। उनका तो एक ही सपना है, तू पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी कर और उनका सहारा बन। अगर पैसा कमाना इतना ही आसान होता तो तुम्हारे पिताजी भी एक अमीर आदमी होते। पढ़ लिख के बीए पास कर ले, फिर मैं तुझे खुद शहर लेके जाऊंगा। अरुण बी प्रैक्टिकल, इन बेकार के बातों को सोच सोच कर अपने समय बर्बाद मत करो। उन्होंने तेरे लिए बहुत सारा पैसा भी उधार लिया था, उसका दिल मत तोड़ना बेटा। जो करना है यही गाँव में करो, समझे ना? तुम्हारी तरह ही सोचकर अगर हर नौजवान शहर चला जाए तो गांव की उन्नति कैसे होगी? चाहे जो कुछ भी हो जाए तुझे परीक्षा देना ही होगा। क्या गांव में सिर्फ बूढ़े लोग ही रह जाएंगे? देखो अरुण, कमाओ तो गांव में, काम करो तो सिर्फ गांव में। तुम्हें भी मेरी भैया की तरह अपने घर की जिम्मेदारियां अपने कंधों पे लेनी चाहिए, यही तुम्हारा फर्ज है। और अपने गाँव को एक खूबसूरत जगह बनाओ। और मैंने सुना है आजकल गरीब लोगों के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं निकाले हैं, तुम भी ऐसे योजनाओं का लाभ उठा सकते हो। एक बार सरकारी अफसरों से बात करके तो देखो। गीता सुनो, तो एक जरूरी बात है तुमसे।
मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। गीता सुनो ना, ऐसा भी क्या रुठना, मुझे सचमुच तुमसे एक जरूरी बात करना है। कहो क्या बात है, वैसे भी मुझे बहुत देर हो रही है। मैं अब शहर नहीं जाऊंगा। तुम्हारी मर्जी, मुझे क्यों बता रहे हो? मैं गांव में रहकर कुछ काम करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ दोगी? मुझे परेशान मत करो। तुम शहर जाओ या गांव में रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हें पता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाओं के अंतर्भुक्त दी जाने वाली फ्री ट्रेनिंग हमारे गांव के युवक युवती तथा महिलाओं को भी दिया जाएगा? हाँ सुना है मैंने, भैया बता रहे थे। मैंने भी तय कर लिया है, मैं भी यहाँ पे ट्रेनिंग लेकर गांव पे अपना व्यवसाय शुरू करूंगा। अब मुझे शहर जाने की कोई जरूरत नहीं। ये मुर्गिया बहुत नाजुक होती है, इसका प्रतिपालन अगर सही ढंग से ना किया गया हो तो फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है। जी पिताजी, इस बारे में मुझे ट्रेनिंग में बताया गया था और इस बात को मैंने अपने दिमाग में अच्छी तरह से डाल लिया है। घर का क्या हुआ, ठीक ठाक हुआ तो? हाँ माँ, एकदम ठीक ठाक हो गया है, बिल्कुल नया जैसा। तुम जाकर देख सकती हो। और इस घर में कम से कम 1000 मुर्गियों को रखा जा सकेगा। नहीं अरुण, शुरू शुरू में हम सिर्फ 500 मुर्गियां ही रखेंगे।